चैनल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और जो थोड़ा सा मेकअप वगैरह करते हैं नहाने के बाद, वो मैंने मेकअप किया है। और अभी हस्बैंड है नहीं घर में तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी मेरा, तो इसलिए अभी 1:30 बज रहा है और अब मैं नहाई में सो गई थी। मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का तो मैं सो गई थी। तो घर में कोई रहता है ना तो बात बात करते करते मतलब मेरा काम भी हो जाता है ठीक ठाक से, और ये घर में नहीं रहते हैं तो फिर वही होता है कुछ करने का मन नहीं करता है, अपनी मर्जी के हो जाते हैं कभी भी खाना कभी भी सोना। तो मन कर रहा है, एक मन कर रहा है चाय पीऊँ बनाकर, एक मन कर रहा ना पीऊँ। अकेले ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं ना अभी अपना पौधा देखने जा रही हूँ, मिर्ची का पौधा जो मैंने लगाया था, एक बार दिखाया था आपको, चूहे ने काट दिया था उसको, गिलहरी ने, वो सूख चुका था। बट मैंने उसको ऐसे ही जस्ट उसकी जो डंडी होती है उसको ऐसी मिट्टी में मैंने दबा दिया था। मैं सोचा था पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, मैंने मिट्टी में दबा दिया था। और देखिए कितना प्यारा प्लांट हो गया है ये, देखिए मेरा। और ये बीच में लगा हुआ था, इसकी डंडी जब टूट गई थी तो मैंने साइड साइड में वैसे ही मिट्टी में दबा दिया और वैसे भी हो गया। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने हाथों का जो प्लांट लगाते अपने हाथों से तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर। और बाकी प्लांट तो आप देख ही रहे हैं ये सब। और धूप बहुत तेज हो रही है तो चलती हूँ मैं। और मैं नहाकर जैसे ही आई अभी तो मैं धुले हुए कपड़े को मैंने सोचा सूखने के लिए डाल देती हूँ। और जब तक मैं इधर तैयार मतलब तैयार क्या मेकअप वगैरह कर रही थी, मैं कंघी कर रही थी, बाल बाल बना रही थी, जब तक मैं बाबू मेरा छत पे सारे कपड़े डालकर आ गया। तो फाइनली मैंने सोचा चलो वीडियो को शुरू कर देती हूँ। और आज से मैंने फिर से साड़ी पहनकर मैं भी संस्कारी बहू बन गई हूँ। चलिए मिलती, मेरे पास काजल नहीं है, देख रहे हैं मेरे पास काजल नहीं, बस मैंने लाइनर लगाया है। काजल यहाँ मैंने लिया ही नहीं है, ही नहीं मेरे पास काजल। लाइनर भी ये पता नहीं कितने साल पुराना लाइनर है, बट ये होता है कि है अभी कंपनी का होता है तो मतलब ठीक ठाक रहता है। ये मेरा लाइनर अभी तक सूखा नहीं है, बिल्कुल ठीक है जैसा मैंने यूज़ किया, देख सकते हैं आप, आपके सामने यूज़ किया, अभी बिल्कुल शीशी भरी हुई है, शायद मैं पहले का ही होगा, मतलब पहले क्या 5 साल तो पता है मुझे, 5 साल पहले का ही है, उसके पहले और को तो नहीं पता मुझे, बट 5 साल तो पूरा पक्का कि 5 साल नहीं थी मैं यहाँ पे तो उससे पहले का ही होगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर बात बात करती हूँ, मुझे एक वीडियो एडिटिंग करना है, वो वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। तो अभी फ्रेंड दोपहर हो रही है और दोपहर हाँ 2:30 बज रहे होंगे करीब। तो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर फ्री होके बैठी हूँ मैं, क्योंकि सो तो मैं पहले ही ली थी, सुबह ही सो रही थी मैं, सोने के बाद ही नहाई थी। तो अभी यहाँ पर एक बाबू की जो पैंट है उसका जो है थोड़ा सा घुटना फटा हुआ था, पैंट बिल्कुल ठीक है नई पैंट है, बस इसने घुटने से फाड़ लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों घुटने को सेम बराबर काट करके और पैंट थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ, घर में पहनने के लिए यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि अभी जो नए कपड़े ऐसे फेंके भी नहीं जाते हैं। तो उधर मैं दीदी से बात कर रही थी और उस बाबू का पैंट सही कर रही थी। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है और देखिए हल्की सी धूप है, और वो धान का जो खेत है आगे उसका व्यू कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन तो अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। और जब हवा चलती है खेत में तो इतने प्यारे लहराते हैं सारे पौधे,
बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हथौड़ी वगैरह है, नीचे कुछ काम हो रहा था तो वही ऊपर लाकर धो के मैं रख दी थी, तो सूख गया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के रख दूँगी, क्योंकि बाबू है ना उधम करता रहता है, डर लगता है कहीं पैर पे गिरा ना ले, तो इसलिए उसे छुपा कर मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इधर पौधे में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि पौधा थोड़ा सा मुरझा गया है अभी। वैसे बारिश के टाइम पर तो बहुत कम ही पानी हम लोग डाल रहे हैं पौधों में, ध्यान भी नहीं रहता क्योंकि हरे भरे रहते हैं तो इतना मतलब पता नहीं चलता है। तो अभी छत पे भी जाना है मुझे, क्योंकि छत मुझे एक एक ध्यान आया कि छत वाला पौधा भी सूख रहा हो, ये छत पे तो एकदम से सीधी धूप पड़ती है, यहाँ तो चलो फिर भी छज्जे पे है तो इतना मतलब बारिश का पानी भी आ ही जाता है अच्छे से, और यहाँ पे धूप इतनी नहीं लगती है, लेकिन छत वाला छत जो छत पे जो जिस पे सीधी धूप पड़ती है वो मुरझा जल्दी जाता है। तो यहाँ पर मैं छत पे आ गई हूँ पानी लेकर आधी बाल्टी, और आधी बाल्टी में हो जाएगा, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि गीले गीले से ही हैं थोड़ा सा, फिर भी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा पानी बचेगा तो उस साइड भी है जहाँ पे भोले बाबा शिवलिंग है ना, वहाँ पे भी कोने में पहले तुलसी माता थी वहाँ पे, लेकिन अब वो तुलसी माता सूख चुकी हैं, तो भोले बस एक फूल का पौधा लगा हुआ है। और शाम के टाइम पर मम्मी कपड़े डाल के छत पर आई हूँ बनाने के लिए डिनर, चने का दाल और रोटी, तड़का बोलते हैं जैसे, तड़का दाल रोटी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, अभी इधर चाय बन रही है, तो एक तरफ चाय बनेगी और दाल बनाऊंगी मैं गैस पे। डेली सब्जी खाते खाते भी ना मन अजीब सा हो जाता है, मैंने सोचा चलो आज दाल बना लेते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ तो डेली दाल बनती है। मुझे ये चलाया एक काम करेंगे, कल काजल ला देंगे। अरे अभी कुछ नहीं, सब्जी आया 10 रुपए का काजल आता है, 10 रुपए का बात नहीं है, वहाँ पे काम करवाए हैं 10 रुपए लगा तो देखेंगे, कल पापा को हम कह रहे हैं कि भिजवा दें वहाँ आएंगे, कह रहे हैं हम कैसे जी भिजा दिया बता माता जी, कब चाहिए कुछ हम कम अगर आई देंगे, जरूरत क्या है स्मॉलेस्ट कंट्री में देखिए, वो अपने हिसाब से करते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है देख, मेरे को ये लग रहा बताऊं कौन, एक काजल के लिए मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, काजल के लिए, काजल के लिए काजल बनवा देते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बना रही हूँ डिनर में दाल, तो मेरी दाल बॉईल हो चुकी है, तो उसको अब फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। वैसे तड़का में प्याज पहले ही मसाले मसाला वगैरह भून के और एक साथ दाल बनती है, बट हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं मैं फ्राई करूँगा, मैंने कहा चलिए आप फ्राई कर लीजिएगा, यहाँ पर बाबू भी कुछ कुछ बोलने आ रहा है, तो यहाँ पर मैं प्याज को कर रही हूँ कद्दूकस, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा क्योंकि टमाटर है नहीं, तो बिना टमाटर का अच्छा सा टेस्ट भी नहीं आएगा, बट हम कोशिश कर लेते हैं कि किसी तरह बना ले और खा ले है कि नहीं, जो चीज़ है उसी में, जितनी चीज़ है वो रहती है उसी में, खुश रहना चाहिए उसी में। दाल मैंने डाली भूल गई, आज खाना बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आने के बाद शायद पहली बार किचन में कुछ बना रहे हैं आज फाइनली, वहाँ पे तो बना लेते थे पर यहाँ पर आज पहली बार बना रहे हैं, तो देखते हैं इनके हाथ का दाल खा कर कैसे बना रहा है। नहीं, दाल में हल्दी डालना भूल गई, दाल में हल्दी डालना भूल गई थी। ऐसे जंगल में हम लोग आ गए, यहाँ पे हमें टमाटर भी नहीं मिल रहा, नहीं दिखता किसी के पास।
और मिलता भी है तो वो काफी महंगा, इतना महंगा टमाटर ले फायदा क्या है, एक दिन का है ना, एक दिन लेकर खा लो, बहुत महंगा मार्केट में टमाटर। हेलो, फ्राई तो मैं कर दी, हाँ। दाल मैं बना दी, रोटी बना ले तो मान जाऊंगी, मैं तो मेहनत रोटी बनाने में है। प्याज और नींबू सीधा बन रहा है मम्मी, मम्मी सीधा सीधा बन रहा है, 11 सही है, पॉज कर दो तुम्हें। तो यहाँ पर मैं दाल फ्राई हो गया है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी, और खाने के लिए भी मैं दे दी हूँ बाबू को और उनको, अब ये दोनों खा लेंगे क्योंकि इन लोगों को गरम गरम रोटी चाहिए, और पापा ठंडी रोटी खाते हैं तो पापा के लिए इतने मतलब वो नहीं है, पापा को ठंडी हुई रोटी मतलब ठंडी ही खाते हैं, गर्म नहीं खाते हैं वो। तो बस वहाँ पर मैं हस्बैंड खा लिए, बाबू खा लिया है, तो मैं यहाँ पर जो बर्तन थे खाना बनाने के बाद और ये लोग खा लिए हैं वो दाल का कुकर वगैरह, ये सब मैं मांस लेती हूँ। वैसे बर्तन में इकट्ठा नहीं होने, इकट्ठा क्या मम्मी की वजह से मैं इकट्ठा नहीं, तो मैं तो इतनी आलसी हूँ कि पूरा सिंक भर जाए तब धोऊँ बर्तन, बट मम्मी के डर के मारे मैं धो लेती हूँ, और ये डर के मारे नहीं कि मम्मी बोलेंगी कि हाँ धोएं क्यों नहीं, क्योंकि मम्मी एक बर्तन भी देखते तो मम्मी धोने लग जाते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं धो लेती हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में मन भी नहीं करता जिस दिन धोने का, फिर भी वो काम करना पड़ता है, तो ये होता है ना ससुराल में, जो काम ना करने का मन हो वो भी मजबूरी में करना पड़ जाता है, नहीं तो मेरी मैं इतनी आलसी हूँ ना, मैं सुबह धोऊँ सारे बर्तन वैसे रखना नहीं चाहिए, आदत गंदी होती है, रात के बर्तन तो नहीं रहने चाहिए, बट वो है ना आलस के आगे क्या करें, मैं तो वहाँ पर कभी भी नहीं धोती थी रात में बर्तन, एक वहाँ पर सिंक वगैरह नहीं था तो छत पे जाना पड़ता था धुलने के लिए, तो रात के टाइम पे ऐसे भी क्या छत पे धोएंगे, है बर्तन है कि नहीं। तो अभी फ्रेंड मेरा डिनर हो गया है और सारा काम हो गया है, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर ली हूँ मैं, और अब आ गई हूँ मैं सोने के लिए, और मैं हूँ अभी पूजा वाले रूम में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर लाइट ऑफ है, हस्बैंड सो गए हैं, बाबू भी सो गया है, तो मैं लेकर यहाँ पर बैठी हूँ चाय, थोड़ी सी चाय पीऊँगी फिर मैं सोऊंगी, थक जाते हैं यार दिन भर सारा दिन करते करते काम, सारा दिन कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है, बेशक ये होता है ना कि ज़्यादा काम नहीं है फिर भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं थकान, और आजकल अब जल्दी जगना पड़ रहा है डेली सुबह 5 बजे 5:30 बजे, फिर उस टाइम से फटाफट जल्दी क्योंकि 7 बजे तक खाना तैयार करना होता है, क्योंकि 7 बजे ये लोग चले जाते हैं पापा, और ये वहाँ पर काम चल रहा है तो वहाँ पर अगर पहले ये लोग नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ पर मिस्त्री वगैरह काम नहीं करते टाइम से, वो लोग भी नहीं आते ना टाइम से, इसलिए तो इसलिए यहाँ से इन लोगों को भी जल्दी निकलना पड़ता है, तो हम लोगों को खाना जल्दी बना कर देना पड़ता है, तो आज तो मैं नहीं दी थी बना कर क्योंकि ये मॉर्निंग में जब 7 बजे थोड़ा 7 बजे भी जल्दी खाया भी नहीं जाता है, और थोड़ा बहुत खा कर जाते फिर वहाँ जाने के बाद भूख लग जाती है, और ये लोग मार्केट का भी कुछ खा नहीं रहे, तो कल मैं बना कर दूँगी रोटी सब्जी बना कर दे दूँगी, तो अपना खाना रहेगा तो थोड़ा बहुत अपना वहाँ पे खा लेंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है। और मैं बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ, मैंने इससे पहले भी बोला था बट वो गुड न्यूज़ आ गई है मेरे पास, तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और सोने का टाइम हो गया है, काफ़ी रात हो चुकी है, रात में कितना टाइम हो गया है, काफ़ी रात तो वैसे नहीं हुई है, 10:30 ही हुआ है, तो बट सुबह जल्दी जगना है तो हमें जल्दी सोएंगे तभी तो सब जल्दी जगेंगे ना, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, वैसे मैं तो सो लेती हूँ दिन में, लेकिन ये है कि हस्बैंड वगैरह वो बेचारे नहीं सो पाते हैं, तो वो आके खाना वाना खा के सो गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर थोड़ी सी बात करना है, बट सोऊंगी मैं आज वहाँ क्योंकि बहुत गर्मी है, वहाँ पर कूलर चल रहा है तो मैं वहीं सोऊंगी, आज चल रहा है कूलर, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।